हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू सो मैंने अपीथीलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड लेटर ऑन नर्वस टिश्यू भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड दैट इज मसल टिश्यू सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो मसल टिश्यू क्या होता है मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू भी इसको बोलते हैं सो so हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं अराउंड सिक्स हंड्रेड मसल्स हैं सो ये मसल का स्ट्रक्चर कैसा है ये मसल टिश्यू कैसे बना है इसका फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे सो मसल सेल्स क्या होते हैं अफकोर्स मसल टिश्यू है तो मसल सेल्स तो प्रेजेंट ही होंगी क्योंकि सेल्स दे ग्रुप टूगेदर एंड फॉर्म टिशू सो मसल सेल्स क्या है मसल सेल्स ऐसे वैसे सेल्स नहीं है ये स्पेशल सेल्स है दीज आर स्पेशलाइज सेल्स और ये स्पेशलाइज सेल्स क्यों हैं बिकॉज इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी है दैट इज कॉन्ट्रेक्शन की सो दे आर स्पेशलाइज कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स सो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट सो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल सेल्स तभी तो हमारी बॉडी मूव करती है मसल्स में ये पावर है कॉन्ट्रैक्ट होने की तभी तो जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हार्ट में से ब्लड पंप होता है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड स्क्वीज आउट होके हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा सो so, ये एक स्पेशल क्वालिटी है मसल सेल्स में दैट दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल पावर देज आर स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स अब मसल सेल्स को क्या बोलती हैं फाइबर्स फाइबर्स या फिर मसल फाइबर्स इनको मसल फाइबर्स क्यों बोलते हैं फाइबर्स का मतलब है थ्रेड जैसे धागे लंबे लंबे धागे सो so, इसको फाइबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो सेल्स हैं मसल सेल्स जो हैं वो छोटे सेल्स नहीं होते दीज आर लॉन्ग सेल्स तो इसलिए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि फाइबर्स हों इसलिए इसको क्या बोलते हैं मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स को बोलते हैं मायोसाइट्स सो मसल फाइबर्स में भी क्या होते हैं द फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स अब इन मसल फाइबर में से बहुत सारे इसके अंदर स्मॉल टाइनी वेरी टाइनी न्यूमरस बहुत सारे फाइन फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और भी ज़्यादा फाइन और भी थिन फिब्रिल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। अब ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है ये सो so ये यहाँ पर मैंने स्केलेटल मसल का डायग्राम बनाया है सो so ये क्या है एक स्केलेटल मसल या फिर आप सिंपली बोल दीजिए कि ये एक मसल है तो मैंने ये स्केलेटल मसल का डायग्राम यहाँ पर इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मसल सेल्स कैसे दिखते हैं और ये फंक्शन कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं सो so ये एक कंप्लीट मसल है ये पूरा एक मसल है अब ये जो मसल है ये बाहर से किससे कवर होता है कनेक्टिव टिश्यू से इसकी जो आउटर कवरिंग है ये वाली आउटर कवरिंग ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू की अब ये जो ये क्या है क्रॉस सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन है मसल मसल का ट्रांसफर सेक्शन है क्रॉस सेक्शन है अब ये जो स्केलेटल मसल है ये इसमें स्ट्राइप्स होते हैं ये क्या है स्ट्राइप्स तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं इनमें स्ट्राइप्स मतलब स्ट्राइप मतलब ये जो आपको बैंड्स दिख रहे हैं स्ट्रीएशन दिख रही है इसको स्ट्राइप्स बोलते हैं स्ट्राइप मतलब धारियां जैसे धारियां होती हैं वैसे ये स्केलेटल मसल दिखते हैं अब इसके जो आउटर कवरिंग है ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी है इसको कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में मैंने कनेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन किया था सो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है बाइंड करना सो so, मसल हमारी किससे अटैच होती है बोन से अटैच होती है मसल स्केलेटल मसल जो हमारी है बोन से अटैच होती है तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर क्या कर रहा है मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है मसल को बोन से अटैच कर रहा है इसलिए इसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या है कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और उसको क्या बोलती हैं एपीमाइसियम एपीमाइसियम अब ये जो पूरा मसल है इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं बंडल्स किसके फाइबर्स के कौन से फाइबर्स मसल फाइबर्स मतलब कि ये जो मसल सेल्स होते हैं ये बहुत सारे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं ये अकेले प्रेजेंट नहीं होते बंडल्स बनाते हैं और इन बंडल्स को क्या बोलते हैं ये जो बंडल आप देख रहे हैं ये पूरा एक बंडल है ये दूसरा मंडल है ये तीसरा मंडल है ये चौथा मंडल है और इस बंडल को क्या बोलते हैं फैसिकल फैसिकल और इस बंडल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स ये रहे मसल फाइबर्स ये और जो छोट छोटे छोटे सर्कल्स हैं इसके अंदर ये क्या है मसल फाइबर्स मीन्स मसल सेल्स अब ये जो फैसिकल है ये जो बंडल है मसल फाइबर का ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम है जिसने फैसिकल को कवर किया हुआ है बंडल को कवर किया हुआ है इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम क्या बोलते हैं पैरीमाइसियम अब इस फैसिकल मतलब ये जो मसल सेल का बंडल है इसके अंदर बहुत सारे मसल सेल प्रेजेंट है और ये है मसल सेल और इस मसल सेल को क्या बोलते हैं मसल फाइबर या फिर मायोसाइट अब ये जो अकेला मसल सेल है ना इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे प्रेजेंट है हंड्रेड टू थाउजेंड मसल फाइबर्स प्रेजेंट है बंडल्स में लेकिन ये जो अकेला मसल सेल है अकेला फाइबर है ये फर्दर एक कनेक्टिव टिश्यू है इसका अपना एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम क्या बोलते हैं ये मैं यहां पर लिख देती हूं दिस इज एंडोमाइसियम सो so, अभी तक मैंने क्या बताया कि जो मसल है उसकी अपनी एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम उसके अंदर मसल सेल के बंडल्स हैं जिसको बोलते हैं फेसिकल और उस बंडल की अपनी एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम उस बंडल के अंदर मीन्स फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं मसल सेल्स हैं और हर एक मसल सेल की अपनी खुद की एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम सो so, ये तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हो गया कि अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर क्या कर रहा है ये आपस में भी कनेक्ट कर रहा है सारे मसल सेल्स को आपस में होल्ड कर रहा है कनेक्ट कर रहा है दूसरी बात ये सारे कनेक्टिव टिश्यू पीछे मिलकर ये यहाँ पर जो एंड है मसल का वहां पर क्या बना देते हैं टेंडन और ये जो टेंडन है ये टेंडन क्या करता है मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है मसल को बोन से अटैच करता है सो so मसल को बोन से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेंडन ताकि कम्युनिकेशन बना रहे मसल और बोन का सो so ऐसा तो है नहीं कि मसल अलग चलता है बोन अलग सो मसल मूव हो रहा है सो बोन भी साथ में ही मूव होगी सो so ये दिस इज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मसल फाइबर अब हम क्या पढ़ेंगे इंडिविजुअल मसल सेल को ये एक जो अंदर इनसाइड प्रेजेंट है मसल सेल अकेला इसको पढ़ेंगे सो so ये क्या है एक मसल फाइबर ये वाला अब इस मसल फाइबर के ये भी मसल फाइबर का क्रॉस सेक्शन है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये इस मसल फाइबर के इस तरह से अंदर छोटे छुट छोटे बहुत सारे फिब्रिल्स हैं बहुत सारे फाइन फिब्रिल्स हैं और इन फिब्रिल्स को क्या बोलते हैं मायोफिब्रिल्स सो एक मसल सेल के इनसाइड भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं फिब्रिल्स uh, होते हैं फाइन फिब्रिल्स जो कि और पतले धागे हैं जिसको क्या बोलते हैं माओ अब ये जो मसल सेल है मसल फाइबर है ये इसमें एक तो मायोफिब्रिल होते हैं प्लस इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसकी ये जो सेल है अब सेल की भी तो एक मेम्ब्रेन होगी कनेक्टिव टिश्यू इज डिफरेंट लेकिन सेल की अपनी एक खुद की जो मेम्ब्रेन होती है जैसे कि सेल की प्लाज्मा मेंब्रेन होती है और इस सेल की मेमब्रेन को क्या बोलते हैं सार्को क्या है सार्कोलेमा अब ये सेल की मेम्ब्रेन है और ये जो मसल सेल है इसके अंदर भी तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्म क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्म अब इस सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है इस सार्कोप्लाज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर बैंड्स जैसे दिखते हैं डार्क बैंड्स लाइट बैंड्स सो आपको दिख रहे हैं डार्क बैंड्स भी दिख रहे हैं लाइट बैंड्स भी दिख रहे हैं सो डार्क बैंड डार्क क्यों दिखता है लाइट लाइट क्यों दिखता है ये भी हम पढ़ेंगे प्लस इस सार्कोप्लाज्मा में तो बहुत सारे माइटोकॉन्ट्रिया है जिसके लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए मसल्स को सो माइटोकॉन्ट्रिया प्रेजेंट है जो कि ए रिलीज करते हैं प्लस ये जो सेल के अंदर इंट्रा कैल्शियम स्टोर्स होते हैं सो सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम भी स्टोर होता है सो so, कैल्शियम हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने में सो so, एक तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट है कैल्शियम प्रेजेंट है इसमें मायोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट है सो so, मायोग्लोबिन क्या करता है? मायोग्लोबिन सो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसा है जैसे हमारे ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ऐसे ही यहाँ पर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है सो so, ऑक्सीजन भी चाहिए मसल को काम करने के लिए क्योंकि इसका काम भी बहुत है कॉन्ट्रैक्शन करनी है रिलैक्सेशन करनी है सो so, यहाँ पर ये सार्कोप्लाजम में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सो so, सार्कोलेमा हो गया सार्कोप्लाजम हो गया अब हम क्या पढ़ेंगे सार्कोमेयर अब सार्कोमेयर क्या है सो so, ये जो बैंड्स दिख रहे हैं आपको डार्क बैंड और ये दोनों डार्क बैंड और बीच में ये लाइट बैंड ये क्या है सार्को मेयर सो so, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि इसको सार्कोमेयर क्या है ये सो so, ये डार्क बैंड और लाइट लाइटमैंड क्या है रिपीटेडली प्रेजेंट है ये एक पूरे मसल सेल में पूरे मसल फाइबर में रिपीटेडली प्रेजेंट है बार बार प्रेजेंट है पैरली अरेंज है तो इसको बोलते हैं सार्कोमेयर सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर जिसने एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म करना है सार्कोमेयर में ही एक्चुअल प्रोटीन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सार्कोमेयर को मैंने यहाँ पर बड़ा करके जूम करके अब हम इसको पढ़ेंगे सो so ये जो ये वाली लाइनिंग है ये तो हमारी क्या है ये हमारी सार्कोलेमा है ये वाली जो लाइन है एक यहां पर है और एक ये यहाँ पर है इसको बोलते हैं जेड लाइन सो ये क्या है जेड लाइन है जो कि आपको यहां भी दिखाई दे रही है ये वाली. So Z अब इस में सार्कोप्लाज्म हमने पढ़ा जो कि सा, साइटोप्लाज्म है मसल सेल का इस सार्कोप्लाज्म में दो तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसकी वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है सो so ये है वो रेड कलर का और ग्रीन कलर के ये क्या है दो फिलामेंट्स हैं जो कि क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स जिसको मायो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि मसल इनकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है सो so ये क्या ये दो प्रोटीन है ये जो रेड वाला है जो कि मिडल में प्रेजेंट है ये क्या है दिस इज वेट सो दिस इज मायोसिन So, ये क्या है मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट है जो ये ग्रीन वाला है ये है एक्टिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट कौन सा एक्टिन एक्टिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट सो देर आर टू कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट जो कि सार्कोप्लाजम में प्रेजेंट होते हैं मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन अब ये जो मायोसिन है रेड वाला ये क्या होता है ये थिक होता है थिक होता है सो so, ये थिक होता है इसलिए डार्क दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर ये डार्क दिखता है सो so, अगर डार्क डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं सो so, डार्क इसलिए दिख रहा है मायोसिन की वजह से और जो लाइट अपियरेंस है वो ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसकी वजह से क्योंकि ये एक्टिन क्या है ये थिन है बहुत थीन है लेकिन जो मायोसिन प्रोटीन है मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट है ये है जिसकी वजह से डार्क बैंड आता है और जो जो एक्टिन फिलामेंट है है इसकी वजह से लाइट बैंड दिखता मसल फाइबर है उसके अंदर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं अब ये जो actin filament है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है जेड लाइन पर अटैच होता है सो जेड लाइन इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है किसको एक्टिन फिलामेंट को सो so, इस तरह से सार्कोमेयर ये क्या है सार्कोमेयर सार्कोमेयर मतलब कि ये जो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है ये रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं रिपीट में प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर में जिसको बोलते हैं अब ये ये क्या है कि ये इस तरह से प्रेजेंट है कि जो मायोसिन है वो एक्टिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है मतलब सो ये अलग है, राइट ये अलग अलग है ओवरलैप का मतलब होता है कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ओवरलैप सो so, अगर ये ऐसे है तो मतलब ओवरलैप नहीं है सेपरेटली प्रेजेंट है लेकिन अगर ये रेड वाला मार्कर ग्रीन के ऊपर आ रहा है ना थोड़ा सा तो इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं सो so, ये इसी तरह से प्रेजेंट है ये थोड़े से ओवरलैप करते हैं अब क्या होगा अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होगा जैसे ही कोई न्यूरोन मतलब जो नर्व है उससे सिग्नल आएगा सो सपोज दिस इज न्यूरोन ये, ये क्या हमारे सेल बॉडी है और ये इसका एंड सो so अभी स्पेस नहीं है तो मैं ज्यादा लंबा न्यूरोन नहीं बना सकती सो so ये क्या है इसके एंड है इनफैक्ट यहां पर नहीं ये यहां पर होना चाहिए था न्यूरोन का डायग्राम क्योंकि ये है मसल सेल सो मसल सेल में जब नर्व आएगी सो सपोज दिस इज द न्यूरो इसके एक्सोन टर्मिनल्स हैं सो so, न्यूरोन्स और जब मसल मिलती हैं सो मसल इनिशिएट कैसे होगी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना इनिशिएट तभी होगी जब नर्व से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएंगी सो so, न्यूरोन से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगी तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा सो so, जैसे ही नर्व से सिग्नल मिलता है मसल को तो नर्व्स और मसल के बीच में एक साइन बनता है जिसको क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन राइट सो स्केलेटल मसल के केस में इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं सो so, जब न्यूरॉन से सिग्नल मिलता है मसल को तो सबसे पहले क्या होता है कि मसल में पूरे मसल में नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है इम्पल्स ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले क्या होता है कि जो कैल्शियम के स्टोर हैं सेल के अंदर मसल सेल के अंदर कैल्शियम स्टोर है इंट्रा सेल कैल्शियम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो एक्टिन और मायोसिन मीन्स ये जो मायोसिन ऊपर एक्टिन नीचे ओवरलैप कर रहे हैं ये मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स हैं ये इस तरह से हो गए अभी तो ये रिलैक्स तो ऐसे प्रेजेंट है और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा मीन्स नर्व इम्पल्स मिलेगी तो ये ऐसे हो जाएंगे अब देखा इसकी लेंथ क्या थी अभी लॉन्ग है जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा तो ये और ज़्यादा ओवरलैप करेंगे जिससे क्या होगा मसल शॉर्ट हो जाएगा मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जो मायोसिन है ये एक्टिन के ऊपर इस तरह से ये एक्टिन इनसाइड आ जाएंगे और ये जो जेड लाइन है ये भी पास में आ जाएगी ये भी शॉर्ट हो जाएगी इस तरह से सो so, ये जो जेड लाइन है सपोज इसको और शॉर्ट कर देते हैं सो so, ये जेड लाइन और शॉर्ट हो जाती है और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये और पास आ जाते हैं और ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओवरलैप करने लग जाते हैं सो so देख रहे हैं आप ये है रिलैक्स अभी ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हुए लेकिन जैसे ही नर्व इम्पल्स इनको मिलती है तो ये एक्टिन और मायोसिन और जो एक्टिन कॉन्ट्रेक्टल फिलामेंट है ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं और ये जो जेड लाइन है ये इसकी लेंथ भी शॉर्ट हो जाती है तो ये क्या है ये रिलैक्सड है रिलैक्सड मसल और ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट मसल और जैसे ही नर्व इंपल्स खत्म हो जाएगी कैल्शियम दोबारा से सेल में चला जाएगा ओके okay. एंड ये जो मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है साथ में ये जो जेड लाइन है ये दोबारा से अपनी पोजीशन पर चल जाएगी और जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे सो so, इस तरह से बेसिकली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है सो so, मेरा ये सब समझाने का बेसिकली मतलब यही था कि एक तो आपको स्ट्रक्चर पता लग जाए मसल सेल्स का प्लस ये कॉन्ट्रेक्शन कैसे होती है ये मैंने बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि कैसे होता है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए समझ आ जाए उसके बाद हम चलते हैं मसल टिश्यू इज एबल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हमें पता लग गया मसल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसकी इसकी स्पेशल क्वालिटी है देन प्रोवाइड इससे क्या होता है प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी एक तो जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के इनसाइड स्ट्रक्चर्स हैं कुछ हमारे कंट्रोल में हैं कुछ नहीं है ये सभी इन्हीं मसल की वजह से क्या हो सकते हैं मूव कर सकते हैं ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तभी ये मूव होते हैं रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से ही कोई भी स्ट्रक्चर मूव होता है एंड ऑफ द बॉडी इट सेल्फ और जो हमारी बॉडी है ये भी इसी तरह से मूव कर रही है मूवमेंट एंड लोको मोशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है मसल के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण नेक्स्ट आता है मसल कॉन्ट्रेक्शन रिक्वायर्स अ ब्लड सप्लाई फॉर सफिशियंट ऑक्सीजन न्यूट्रिय एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट अब ऑफकोर्स मसल को ब्लड सप्लाई चाहिए ऐसा नहीं कि अभी टिश्यू ब्लड सप्लाई के बिना भी चल जाता है उसका काम क्योंकि वो अंडरलाइन स्ट्रक्चर से डिफ्यूजन के थ्रू ले लेता है न्यूट्रिएंट्स लेकिन मसल के साथ ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि मसल का काम बहुत ही स्ट्रांग है कंट्रैक्शन करना है हार्ट का काम बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पर मसल प्रेजेंट है तो इसको ब्लड सप्लाई चाहिए ही चाहिए इसको ब्लड सप्लाई चाहिए इसके काम के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लस इसको वेस्ट प्रोडक्ट भी अपना रिमूव करना है कैल्शियम भी चाहिए कैल्शियम को भी स्टोर करना है अब ये है अबाउट द मसल टिश्यू अब इसके टाइप्स जो हैं थ्री स्पेसिफिक टाइप्स हैं मसल टिश्यू के स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उससे आपको आइडिया लग गया है कि मसल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है मसल फंक्शन कैसे करता है दूसरा मसल कौन सा है स्मूद मसल्स स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं तीसरा है कार्डियक मसल कार्डियक नेम से क्लियर है हार्ट वाले मसल तो अब तीनों मसल स्केलेटल मसल स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो so, हमारा फर्स्ट मसल टिश्यू है स्केलेटल मसल सो स्केलेटल मसल ऐसा दिखता है सो so, ये स्केलेटल मसल्स हैं अब स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं और इसका फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल बिकॉज इट फॉर्म्स दोज मसल्स दैट मूव बोन सो बोन क्या है, है हमारा स्केलेटन सो so क्योंकि ये बोन्स को मूव करता है इसलिए इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं एंड ये बोन्स के पास प्रेजेंट होता है मसल सो स्केलेटल मसल की अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीशन और स्ट्राइप्स अब ये हमारा स्केलेटल मसल है दिस इज स्केलेटल मसल एंड इसमें ये 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 क्या दिख रही है आपको ये, ये है स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स और स्ट्रिएशंस सो आर द क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स और स्ट्रिएशंस है तो इस मसल को क्या बोलते हैं स्ट्रीएटेड मसल सो स्केलेटल मसल क्या है स्ट्रीएटेड है जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं और ये स्ट्रीशंस क्यों अपेयर होती है डार्क और लाइट बैंड्स के कारण नेक्स्ट आता है वॉल्यूंट्री अब वॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है वॉल्यूंट्री होता है जिस पर हमारा बस चलता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सो so, अब मैंने ये अपना हाथ ऊपर किया अपनी मर्जी से तो मसल मेरी मर्जी से मूव हुए कौन से मसल मेरी मर्जी से मूव हुए स्केलेटल मसल तो ये मसल क्या है वॉल्यून्ट्री है मतलब इट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल हम इनको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं अब यहाँ पर जो डायफ्राम है डायफ्राम भी क्या है स्केलेटल मसल है और वो हमारे चेस्ट को मूव करता है ब्रीदिंग के लिए तो डायफ्राम मसल वैसे तो हम अपने आप भी ब्रीद कर सकते हैं राइट लेकिन कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ स्केलेटल मसल जो कि अंडर सब कॉन्शियसली भी वर्क करते हैं सो so, जैसे कि हम सो रहे हैं उस टाइम पर भी डायफ्राम वर्क कर रहा है तो कुछ वॉल्यूंट्री मसल्स कुछ स्केलेटल मसल्स ऐसे हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सब कॉन्शियसली कुछ लर्न कर रहे हैं उन्होंने कुछ लर्न किया हुआ है जैसे डायफ्राम ने ब्रीदिंग करना है तो डायफ्राम ने ये लर्न किया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल है राइटिंग जब हम कुछ लिखते हैं तो समटाइम्स हम ये नहीं है कि बहुत ध्यान से लिख रहे हैं कि मैंने अपने हाथ को इस तरह से मूव करना है तभी ही लिखा जाएगा तो राइटिंग के दौरान भी हमारी फिंगर्स जो फिंगर्स की जो स्केलेटल मसल्स है उन्होंने लर्न किया हुआ है स्किल को राइटिंग लर्न की हुई है राइट right? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम जो मसल्स कुछ मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सबकॉन्शियसली भी लर्न करते हैं कुछ चीज़ों को नेक्स्ट हमारा आता है शेप अब शेप इसकी कैसी होती है कैसी शेप नजर आती है सिलेंड्रिकल सो so ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का है सो so सिलेंड्रिकल इसकी शेप है न्यूक्लियाई अब इसमें न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है तो ये बहुत लंबे हो सकते हैं इवन कि 35 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे ये हो सकते हैं कौन से मसल्स स्केलेटल मसल्स सो स्केलेटल मसल सेल्स बहुत लंबे हो सकते हैं इसलिए एक न्यूक्लियस से तो काम नहीं चलेगा इनमें बहुत सारी ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकती हैं सो so, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मसल सेल में प्रेजेंट हो सकती है कौन से स्केलेटल मसल सेल में सो so, ये क्या है न्यूक्लियाई सो न्यूक्लियाई ज़्यादा है सेवरल न्यूक्लियस है तो ये क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनकी लेंथ कितनी हो सकती है लॉन्ग लॉन्ग होते हैं मोर देन 15 सेंटीमीटर इवन मोर देन 35 सेंटीमीटर भी होते हैं जैसे कि हमारा लॉन्गेस्ट कैलेटल मसल कौन सा है सार्टोरियस मसल सो ये सार्टोरियस मसल हमारे थाई में प्रेजेंट होता है और ये 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है एक प्रॉक्स सो so, अगर सार्टोरियस मसल 50 सेंटीमीटर तक लंबा है अप्रॉक्सीमेटली तो इसका मतलब कि ये जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं ये बहुत लॉन्ग भी हो सकते हैं सो so, नेक्स्ट इसमें आता है सार्कोमियर सार्कोमियर हमने पीछे पढ़ लिया क्या होता है सो so, सार्कोमियर ये जो लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स हैं इनकी रिपीटेडली यूनिट के कारण सार्कोमियर यूनिट बनता है जो कि फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल का सो so, सार्कोमियर इसमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी इसमें प्रेजेंट होता है जो कि मैंने बताया था कि एक जो न्यूरोन है सपोज दिस इज द न्यूरोन एंड दिस इज मोटर न्यूरोन एंड ये जो मोटर न्यूरोन है जब ये है एक्जोन टर्मिनल इसके सो so, ये मोटर न्यूरॉन के एक्न टर्मिनल और मसल के बीच में जो जंक्शन बनेगा इसको क्या बोलते हैं न्यूरो क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन है एंड मसल सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मसल जो है कम्युनिकेट करते हैं न्यूरॉन्स के साथ सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट आता है ए ए टी पी वो एंजाइम है जो कि ए टी पी को रिलीज़ करने में हेल्प करता है तो ए टी पी इसमें अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्योंकि स्केलेटल मसल पूरा दिन तो काम करती हैं तो पूरा दिन काम करती हैं तो इसको ए टी पी भी ज़्यादा चाहिए नेक्स्ट आता है अनब्रांच्ड अब इसमें आपको ब्रांचेज तो नहीं नज़र आ रही सिंगल ही तो है ब्रांच नहीं है सो तो ये अनब्रांच होती है इसकी ब्रांचेज नहीं होती नेक्स्ट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन नर्व इम्पल्स ऑरिजिनेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड अब ये जो मोटर नर्व इम्पल्सेज हैं ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड से ऑरिजिनेट होती है और फिर कहाँ पर एंड होती है एंडिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सो ये मोटर नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अपने इम्पल्स को छोड़ता है देन जो हमारी स्केलेटल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स सो स्मूथ मसल नेम से ही क्लियर है स्मूथ होती है ये स्मूथ मसल्स होती हैं सो so ये इनका डायग्राम है ये बिल्कुल स्मूथ होती है इसमें कोई स्ट्रीएशन कोई स्ट्रिप्स नहीं होती कोई धारियाँ नहीं होती स्मूथ होती है ये नॉन स्ट्रिएटेड सो नॉन स्ट्रिएटेड मतलब इसमें जैसे हमने पिछली पढ़ी थी स्केलेटल मसल या फिर हम आगे भी कार्डिय मसल भी पढ़ेंगे तो उनमें स्ट्रिप्स होती हैं स्ट्रिएटेड होते हैं बट इनमें कोई स्ट्रीएशन नहीं होती ये स्मूथ होती है इसलिए इनको स्मूथ मसल कहते हैं स्पिंडल शेप इनकी शेप कैसी होती है इस तरह से स्पिंडल शेप होती है। तो स्पिंडल शेप की होती है और ये एक शीट की तरह अरेंज होती है सो so, एक शीट की तरह ये अरेंज होती है इसमें सिर्फ एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वन सेंट्रल न्यूक्लियस अनब्रांच होती है इसकी ब्रांचेज नहीं होती अनब्रांच होती है इन वोल्यूंट्री होती है ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ये फंक्शन करती है सो दिस इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल लेकिन इनमें क्या है ऑटोमेटिसिटी की एक स्पेशल क्वालिटी uh, है दैट इज ऑटोमेटिसिटी ऑटो मतलब अपने आप तो ये अपने आप जनरेट करती है कैसे दे हैव इंट्रेंसिंग एबिलिटी टू इनिशिएट इट्स ओन कॉन्ट्रेक्शन इनके पास अपनी एबिलिटी है कि ये अपनी कॉन्ट्रेक्शन खुद इनिशिएट कर सकती हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है पेरिसटेल्सिस सो पेरिस्टेल्सिस क्या है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है एलिमेंट्री कैनाल सो उसमें पेरिस्टेल्सिस चलती है दैट इज़ अ वेव लाइक मोशन राइट right. सो so, ये वेव लाइक मोशन कैसे कर, आ, काम करती है सपोज ये फूड है बॉलेस है सो so अभी क्या है मसल रिलैक्स है इसको आगे पुश करने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट uh, हो जाएंगे एंड देन आगे पुश करने के लिए मसल रिलैक्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिलैक्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे सो ये वेव लाइक मोशन को बोलते हैं पेरिसलसिस और ये है हमारा जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसमें Uh, ये स्पेशल क्वालिटी है पेरिस्टैल्सिस की सो स्मूद मसल्स क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है सो स्मूद मसल्स में ये एबिलिटी होती है इंट्रेंसिंग एबिलिटी कि ये अपनी कॉन्ट्रेक्शन को खुद इनिशिएट कर सकती हैं तो ये ऑटोमेटिसिटी इनके पास होती है नेक्स्ट ए एन एस मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हॉर्मोन्स कुछ हॉर्मोन्स कुछ लोकल मेटाबोलाइट क्या स्टिमुलेट करते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन सो ये जो ऑटोमेटिसिटी है ये ए एन एस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हॉर्मोन्स और कुछ लोकल मेटाबोलाइट से स्टिमुलेट होती है इसकी जो कॉन्ट्रेक्शन होती है स्लो होती है स्लो मतलब क्विकली एकदम से आ, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंने मसल को ये ऊपर किया तो ये एकदम से ऊपर हो गया लेकिन इसकी जो कॉन्ट्रेक्शन होती है स्लो होती है लेकिन मोर सस्टेन्ड लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रहती है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल में क्विकली तो होती है लेकिन इतने टाइम के लिए नहीं रहती जल्दी से डीपॉलराइज भी हो जाती है लेकिन ये मोर टाइम के लिए रहती है मोर सस्टेन्ड है नेक्स्ट है इसकी लोकेशन और फंक्शन uh, क्या है सो so, लोकेशन क्या है ये होती है विसरल विसरल मतलब कि ये हमारे विसरा में प्रेजेंट होती है स्मूद मसल जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है रेगुलेटिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स सो जो ब्लड वेसल में मसल जो है ब्लड वेसल्स की जो मसल्स है, वो कौन सी है स्मूद मसल्स तो स्मूद मसल प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स की जो मसल लेयर है उसमें ये वहाँ पर क्या करती है ब्लड वेसल के डायमीटर को रेगुलेट करती है डायमीटर कम करना डायमीटर बढ़ाना सो इंक्रीज और डिक्रीज करती है डायमीटर को वहाँ पर ब्लड वेसल्स का डायमीटर आपको पता है चेंज होता है विद द सिचुएशन विद द कंडीशन ऑफ द बॉडी अगर डायमीटर कम हो जाता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है हाइपर हो सकता है डायमीटर इंक्रीज होता है तो डायलिटेशन हो जाती है हाइपोटेंशन हो सकता है या फिर समटाइम्स डायलेशन होती है ब्लड वेसल की क्यों ज़रूरी है इन्फ्लामेशन के टाइम तो पर इंजरी के टाइम पर तो वहां पर स्मूथ मसल ब्लड वेसल के डायमीटर को रेगुलेट करती है सेकेंड थिंग पार्ट

यूरेटर्स में यूरिन को आगे कंट्रोपेल करना डक्स ऑफ ग्लैंड जो ग्लैंड की डक्स है ताकि सिक्रीशंस आगे पूल हो सके एलिमेंट्री ट्रैक जो कि हमने देख लिया अभी पेरिस्टेल्सिस एलिमेंट्री ट्रैक में होता है यूरिनरी ब्लैडर में कंटेंट को आगे पुश करने की ज़रूरत है यूरिन को आगे पुश करने की ज़रूरत है यूट्रस में सो so यूट्रस की जो लाइनिंग है वहाँ पर स्मूथ मसल प्रेजेंट है ताकि जो यूट्रस का कंटेंट है चाहे वो मैंस्ट्रल ब्लीडिंग है या फिर और भी कोई कॉन्टेंट है आ, इवन कि अगर बॉम में एम्ब्रियो है तो आगे पुश करने के लिए फर्दर पुश करने के लिए यहाँ पर यूटरस में कौन सा मसल प्रेजेंट है स्मूथ मसल सो ये प्रॉपर्टीज है स्मूथ मसल की स्मूथ मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं होता सो नेक्स्ट इज कार्डियक मसल सो कार्डियक मसल इज द लास्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू सो कार्डियक मसल नेम से ही क्लियर है कार्डियक मीन्स हार्ट सो ये मसल कहाँ प्रेजेंट होगा ओनली हार्ट में सो so, हार्ट में भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये मायोकार्डियम जो मायोकार्डियम मीन्स मसल लेयर होती है हार्ट की जो कि एंडोकार्डियम इनर लेयर और पेरिकार्डियम आउटर लेयर दोनों के बीच में होती है मायोकार्डियम मसल लेयर जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है सो so, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है वो किसकी वजह से है मायोकार्डियम मीन्स हार्ट की जो मसल लेयर है उसकी वजह से हार्ट के जो मसल सेल्स हैं उसकी वजह से सो दिस इज ओनली फाउंड इन हार्ट वॉल और जो हार्ट के मसल सेल है उसको बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट मायोसाइट सो ये क्या है हमारे हार्ट के मसल्स हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज साथ में ही डायग्राम के साथ साथ क्लियर हो जाएगी इन वॉल्यूमट्री फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्डियक uh, मसल है ये इन है स्मूथ मसल की तरह ही ये है हमारे कंट्रोल में ही नहीं है हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता ये कार्डियक मसल अगर हम चाहेंगे कि हार्ट बीट हो जाए और अब रिलैक्स कर ले, अब कॉन्ट्रैक्ट कर ले, सो ऐसा नहीं होता ये अपने आप ही कोऑर्डिनेशन में चलता है अपने आप भी कोऑर्डिनेट करता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन को हार्ट की सो so ये क्या है इनवॉल्ट्री है नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नेक्स्ट आता है स्ट्रिएशंस सो स्ट्रिएशंस अब आप ये देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की सो so ये क्या है स्ट्राइप्स सो स्केलेटल मसल की तरह ही कार्डियक मसल में भी ये स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर को देखते हैं इसलिए ये क्या है स्ट्रिएटेड मसल है सो कार्डियक मसल भी स्ट्रिएटेड मसल है नेक्स्ट है ईच फाइबर हैज़ वन न्यूक्लियस अब जहाँ पर ये रेड है रेड ये जो है ये मैं अभी बताती हूँ क्या है ये है एक मसल फाइबर ये है दूसरा मसल फाइबर ये एक मसल फाइबर ये दूसरा मसल फाइबर सो जो रेड कलर का ये स्ट्रक्चर है यहां तक एक मसल फाइबर है सो so, एक मसल फाइबर में एक कार्डियक मसल फाइबर में एक ही न्यूक्लियस होता है सेंटर में तो ये क्या है हैज वन न्यूक्लियस कई बुक्स में इसको बाई न्यूक्लिएटेड भी बोला है सो so कुछ एक्सेप्शन भी हैं बाई न्यूक्लिएटेड भी है बट वी विल स्टिक टू वन न्यूक्लियस सो ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड है वन और मोर ब्रांचेज अब ये आप देख रहे हैं ये क्या है ब्रांच सो इसमें ब्रांचेज भी प्रेजेंट होती हैं सो so, ये आपस में ब्रांश हो सकते हैं ब्रांचेज हो सकती हैं सो so, ये क्या है कार्डियक मसल ओनली मसल विच इज ब्रांश ना ही स्केलेटल मसल ना ही स्मूथ मसल ये ब्रांच नहीं होते नेक्स्ट आता है एंड्स ऑफ सेल्स एंड ब्रांचेज आर वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एंड एंड ब्रांचेज ऑफ एडजस्टिंग सेल्स अब ये एक मसल सेल है कार्डियक मसल सेल ये दूसरा कार्डियक मसल फाइबर है दोनों के जो एंड्स हैं आपस में बिल्कुल पास में है क्लोज कॉन्टैक्ट में है बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में ये देख रहे हैं ये सारे मसल सेल्स क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं एक दूसरे के साथ सो so, एक मसल सेल एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर के साथ इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में है इसलिए कैसा लगता है एक शीट जैसा शीट ऑफ मसल एक शीट जैसा लगता है ना कि ऐसा लगता है कि अलग अलग मसल फाइबर पड़े हुए हैं जबकि एक शीट की तरह लगता है और इस शीट का एक बेनिफिट है ये इसलिए इस क्लोज कॉन्टैक्ट में है ताकि जब भी एक भी मसल में आ, क्या हो कि नर्व इम्पल्स फैल आ, स्टार्ट हो जब भी मसल में नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट होगी जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनिशिएट होगी एक मसल फाइबर में सो पूरी मसल शीट में नर्व इंपल्स दौड़ेगी पूरी मसल शीट में नर्व इंपल्स स्प्रेड हो जाएगी इसलिए इसके जो सेल्स हैं वो क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं अब ये जो क्लोज कॉन्टेक्ट है किसकी वजह से है अब ये रेड स्ट्रक्चर क्या है ये जॉइंट है जॉइंट मतलब जिसने एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से जोड़ा हुआ है ये मैंने बता दिया ये क्या है ये है न्यूक्लियस ये क्या है ये है स्ट्राइप्स ये क्या है ये है ब्रांचेस एंड ये रेड स्ट्रक्चर क्या है जॉइंट जॉइंट मतलब जिसने एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से जॉइंट किया है और इस जॉइंट को क्या बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क ये एक इंटरकैलेटेड डिस्क ये भी इंटरकेलेटेड डिस्क ये भी ये भी और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये माइक्रोस्कोप के अंडर इन स्ट्राइप से भी डार्क दिखाई देती है अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है दीज आर द ज्वाइंट्स और इंटरकेलेटेड डिस्क अपीयर मोर डार्कर देन स्ट्राइप्स स्ट्राइप से ज्यादा डार्क ये लगती है अब इसका काम क्या है डिस्क का वेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अ वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्प्रेड फ्रॉम सेल टू सेल अक्रॉस इंटरकेलेक्टेड डिस्क इंटरकेलेटेड डिस्क का ये काम है यहाँ पर कि जब मान लो इस मसल फाइबर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंची तो इससे इस मसल फाइबर में पहुंचने में टाइम ना लगे क्विकली से सारे मसल फाइबर में जो इम्पल्सिज हैं वो स्प्रेड हो जाए तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क ये काम करती है कि यहाँ से जो मैसेज है यहाँ तक जल्दी से पहुँच जाए ये इस इंटरकैलेटेड डिस्क का काम है ताकि हार्ट कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सके ये नहीं कि एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक नहीं हो रहा जल्दी से क्विकली मैसेज जो है यहाँ से यहाँ पहुँचे इसके लिए इंटरकेलेटेड डिस्क यहाँ पर फंक्शन कर रही है ब्रांचेज भी इसीलिए ही हैं ताकि जल्दी से जल्दी पूरी मसल शीट में जो मैसेज है वो पहुँच सके पूरी मसल शीट में कॉन्ट्रैक्शन पहुँच सके इंपल्सिस पहुँच सके सो इंटरकेलेटेड डिस्क का ये काम है विच मीन्स कार्डियक मसल फाइबर डू नॉट नीड टू बी स्टिमुलेटेड इंडिविजुअली इसका मतलब कार्डियक मसल फाइबर जो है ये नहीं कि इस मसल फाइबर को अलग से स्टिमुलेट करना है इसको अलग करना है इसको लग, एक हो गई मतलब पूरी मसल शीट में इंपल्सिस स्प्रेड हो गई सो इंटरकैलेटेड डिस्क का ये काम है प्लस इंटरकैलेटेड डिस्क में जंक्शन प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं गैप जंक्शंस और ये गैप जंक्शन क्या करते हैं गैप जंक्शन यहां से मैसेज यहां तक पहुंचने में जल्दी पहुंचने में क्विकली स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं जिनको बोलते हैं गैप जंक्शन ऑल्सो यहां पर एक और जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डेस्मोजोम्स सो so, इस तरह से होते हैं डेस्मोजोम्स सो so, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क का सो so, यहां पर एक तो डेस्मोजोम्स प्रेजेंट है दूसरे गैप जंक्शन प्रेजेंट है क्या क्या प्रेजेंट है गैप जंक्शन एंड डेस्मोजोम्स डेस्मोजोम्स क्या कर रहे हैं डेस्मोजोम्स दो सेल्स को टाइटली बाइंड होने में हेल्प कर मतलब दो सेल्स को आपस में लिंक करने का काम कर रहे हैं अड्डियर करने का काम कर रहे हैं वेयर एज जो गैप जंक्शन है वो क्या हेल्प कर रहे हैं इंपल्सिस को क्विकली ट्रांसफर होने में हेल्प कर रहे हैं सो इंटरकैलेटेड डिस्क ये फंक्शन करता है नेक्स्ट आता है हार्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज हार्ट हैज़ इंट्रिंसिंग पेस मेकर सिस्टम इंट्रेंसिंग पेसमेकर सिस्टम तो हार्ट का अपना खुद का पेस मेकर सिस्टम है हार्ट का पेसमेकर हमको पता है पेस मेकर सिस्टम क्या है हार्ट का जो कि मायोकार्डियम में ही प्रेजेंट है मसल में ही प्रेजेंट है और वो कौन सा है दैट इज एस नोड साइनो एट्रियल नोड ये क्या है फर्स्ट प्राइमरी पेस मेकर उसके बाद एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड सेकेंडरी पेस मेकर एस नोड एवी नोड देन बंडल ऑफ हिस्स और परकिंजे फाइबर्स सो so, ये सब क्या है ये अपना खुद का कंडक्टिंग सिस्टम है अपना खुद का पेस मेकर सिस्टम है हार्ट का तो इसका क्या फ़ायदा है कि हार्ट को कहीं से स्टिमुलेशन नहीं चाहिए कि हार्ट को कोई स्टिमुलेट करेगा तभी हार्ट बीट करेगा हार्ट का खुद का कंडक्टिंग सिस्टम है और ये जो नोड्स हैं ये कंडक्टिंग सिस्टम है ये क्या है ये मॉडिफाइड मसल्स हैं मॉडिफाइड मसल सेल्स हैं ये हार्ट के जो कि हार्ट को बीट होने में हेल्प करते हैं हार्ट का खुद का कंडक्टिंग uh, सिस्टम है खुद का पेसमेकर सिस्टम है जिससे हार्ट खुद ही बीट होता है खुद ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करता है जिसको क्या बोलते हैं इस क्वालिटी को रिदमिसिटी ओटोरिदमी रिदमिसिटी सो हार्ट में ऑटोरिदमि सिटी की क्वालिटी है इससे क्या होता है बीट्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर हार्ट एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करता है विदाउट एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन कोई एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन हार्ट को नहीं चाहिए सो so, कोऑर्डिनेशन में एक तो इसलिए भी वर्क करता है इंटरकेलेटेड डिस्क की वजह से ब्रांचेस की वजह से सेल्स आपस में जो मसल सेल्स हैं हार्ट के वो टाइटली क्लोजली पैक्ड हैं आई वुड नॉट से टाइटली बट वेरी क्लोजली पैक्ड है वेरी क्लोजली अरेंज है एंड टू एंड क्लोज कॉन्टैक्ट है उसमें ताकि पूरे मसल में जल्दी से क्विकली इम्पल्स ट्रांसफर हो एक शीट की तरह ये मसल्स लगते हैं इसलिए ऑटर इदमिसिटी की इसमें क्वालिटी uh, है कैपेबिलिटी है नेक्स्ट आता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्व्स इम्पल्सिस आती हैं हॉर्मोन्स और लोकल मेटाबोलाइट्स ये सब भी क्या करते हैं हार्ट के जो हार्ट बीट कर रहा है उसके रेट को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल और रेट एट विच इट बीट्स सो ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं कि किस रेट पर हार्ट बीट करेगा फास्ट हार्ट बीट करेगा या स्लो हार्ट बीट करेगा वो सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है बट बीट करना ये हार्ट ने खुद सीखा है इसने खुद अपना यह पेसमेकर सिस्टम बनाया है दैट इज ऑटो रिदमिसिटी सो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स अबाउट द कार्डिक मसल आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिश्यू एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एमपावरमेन थैंक यू फॉर वॉचिंग Other links will be provided in the description box so please check it out.